अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर विल बी फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फाइलम नाइडेरिया, द फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। आज हम किंगडम एनिमेलिया के फाइलम नाइडेरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो है तकरीबन 9,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब इसका जो नेम है नाइडेरिया क्यों रखा गया है, बिकॉज दे हैव स्टिंगिंग सेल, क्योंकि इनके अंदर जो है स्टिंगिंग सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं और उन सेल को कहा जाता है नाइटोसिस्ट। तो जो नाइटोसाइट्स हैं इनकी वजह से जो है इनका नाम नाइडेरिया रखा गया है। अब ये जो है स्टिंगिंग सेल्स कौन सेल होते हैं, ये इनके जो है टेंटिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि प्रे वगैरह को, शिकार वगैरह को पकड़ने में हेल्प करते हैं। नाइडेरियंस कॉमनली कॉल्ड सिलेंट्रेट, दे कॉमनली नॉन एज सिलेंट्रेटा। अब इसे सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे हैव हालो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। ये कॉमनली जो है सिलेंट्रेटा के नेम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक हालो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी मौजूद होती है और वो कैविटी कहलाती है सिलेंट्रॉन। तो ये हमने जाना अबाउट फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया को जो है नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है नाइटोसाइट सेल मौजूद होते हैं, जो कि इनके टेंटिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसे आमतौर पर सिलेंट्रेटा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक हालो गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, इसे सिलेंट्रॉन कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल करेक्टर्स ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो सबसे पहला करेक्टर जो नाइडेरिया के अंदर मौजूद होता है, दैट इट इज़ एक्वेटिक। मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं हमें सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर ही मिलेंगे, खुश्की के ऊपर ये नहीं रह सकते। इसके साथ साथ दे आर रेडियली साइमेट्रिकल, इनकी जो साइमेट्री है उसमें ये रेडियली साइमेट्रिकल है। इसके अलावा जो है दे आर डिप्लोब्लास्टिक, हैविंग ओनली टू लेयर्स। इसके अलावा जो है इनकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जो कि कहलाता है मीजोगोलिया। अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ अ नॉन सेलुलर प्लेट ये जो है एक नॉन सेलुलर प्लेट है जो कहाँ पर पाई जाती है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो प्लेट पाई जाती है उसे कहते हैं मीजोगोलिया, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर जो चीज़ पाई जाती है, डैट इज सिलेंट्रॉन। अब देखते हैं कि सिलेंट्रॉन क्या है। इट इज़ आ, हमने ऊपर जाना कि ये क्या है, एक हालो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है जो कि इसके अंदर मौजूद होती है। अब इसके बाद उसका करैक्टर है वो ये है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होता, दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से ये मुराद है कि इनके अंदर कम्प्लीट जो ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड, वो इनके अंदर नहीं होते हैं, इसलिए जो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इसके साथ साथ इनके अंदर पाया जाता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स इनके अंदर मौजूद होती हैं और उनका पूरा नेटवर्क इनके अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, दे हैव नो रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम।
अगर इनके अंदर ये सिस्टम मौजूद नहीं होता है तो ये प्रोसेस किसके ज़रिए होता है? सो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके अंदर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन किस प्रोसेस से होती है? अकर थ्रू डिफ्यूजन। वो जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनके अंदर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होती है। इसके अलावा इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, डेट इज़ नाइट्रोसाइट्स। हमने ऊपर जाना कि नाइट्रोसाइट्स क्या है। इट इज़ अ स्टिंगिंग सेल। ये क्या है? स्टिंगिंग सेल्स हैं जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? इनके टेंटिकल में मौजूद होते हैं और प्रे वगैरह को पकड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो करैक्टर है नाइडेरियंस का, डेट द ऑल नाइडेरियंस आर कार्निवोरस। जितने भी नाइडेरियंस हैं वो कार्निवोरस हैं, मीन्स के वो जो हैं वो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, कोई और चीज़ जो है वो नहीं लेते। इसके अलावा इसका अगला करैक्टर है, दे हैव टू डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म्स। दे हैव टू डिस्टिंक्ट बॉडी फॉर्म्स। इसकी जो है दो इनके अंदर बॉडी फॉर्म्स मौजूद होती हैं। इसी लेक्चर में आगे हम उन्हें दोनों बॉडी फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, डैट इज़ बाय द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी रिप्रोडक्शन का मेथड के अंदर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इंक्लूडेड है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू जो है इनके आगे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर मौजूद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है इनके अंदर मौजूद होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर जो चीज़ इंक्लूडेड है, डेट इज़ हाइड्रा एंड जेलीफिश। हाइड्रा और जेलीफिश इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनकी एग्जाम्पल के अंदर, फाइव नाइडेरिया के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हमने जाना अबाउट द जनरल करैक्टर्स ऑफ नाइडेरिया। जो है हम इसकी एक एग्जाम्पल के थ्रू जो नाइडेरियंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू कैन सी डेट देयर इज अ हाइड्रा। हमने हाइड्रा की एग्जाम्पल से जो है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रा के फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं टेंटिकल्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने जाना था कि हाइड्रा जो है वो सिसाइल होते हैं, तो ये जो है एक ही प्लेस के ऊपर फिक्स्ड हैं। ये जो है लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके टेंटिकल्स हैं वो आगे मूव करते हैं। फिर इन्हीं टेंटिकल्स की हेल्प से जो है वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, उनका शिकार करते हैं, फिर उनको अपनी डाइट बना लेते हैं। तो अब जो है ये देखें, इनके जो है सामने एक शिकार इसका मौजूद है। अब हाइड्रा क्या करेगा, अपने टेंटिकल्स की हेल्प से जो है इसको कैप्चर कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दे हाइड्रा इज ट्राइंग टू कैप्चरिंग द प्रे। हाइड्रा फिर इस प्रे को अपने टेंटिकल्स की वजह से इसने कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करके क्या करेगा, इसको जो है अपने माउथ के अंदर ले लेगा, फिर इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो हाइड्रा ने जो है कैप्चर किया अपना शिकार विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। अब ये क्या करेगा, इसको अपने माउथ में इन करेगा एंड देन जो है इसको अपना फूड बना लेगा। तो स्लोले हाइड्रा क्या कर रहा है, उस प्रे को जो है अपने माउथ की तरफ लेकर जा रहा है। और जैसे ही ये प्रे इसके माउथ के तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ द टेंटिकल्स, इट विल इंजेस्ट डेड प्रे। वो उस प्रे को क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि उसने जो है प्रे को अपने माउथ तक ले लिया। अब माउथ के अब तक जैसे पहुंचेगा वो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। सो विद द हेल्प ऑफ हमने जो है नाइडेरियंस को समझने की कोशिश की है। तो ये जितने भी नाइडेरियंस हैं वो इसी तरीके से अपने टेंटिकल्स की हेल्प से अपना फूड कैप्चर करते हैं और उसको अपनी डाइट बनाते हैं। दिस वाज द टॉपिक अबाउट फाइव नाइडेरियंस एंड जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइव नाइडेरियंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।